हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको अचार ही मिर्च पकौड़ा बनाना बताऊंगी। यह पकौड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए हमें अचार वाली मोटी मिर्च चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से ये मिर्च है जिनको मैंने साफ करके रख लिया है। अब हम इन्हें बीच में से चीर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें इन्हें स्टफ करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम सभी मिर्च चीर लगाकर रख देंगे। चीरा लगाकर ये मैंने ही है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कैसे बनता है। ये आम का हींग का अचार है। इसके अलावा ये आम के अचार का मसाला है। कई बार चीर के अचार बच जाते हैं तो उसका मसाले को इस तरह में यूज़ कर लेते हैं। दोनों तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करके मैं इस अचार को मिर्च में भरूंगी। ये मिर्च खाने में बहुत ही टेस्टी। अब देखिए, इनको इस तरीके से हम खोलकर भर लेंगे अचार को। थोड़ा थोड़ा हमको इसमें अचार लगाना है। इस तरीके से हम मिर्च को भर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम सभी मिर्च को तैयार कर लेंगे। अभी मैंने एक बाउल में बेसन लिया है। बेसन में थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि हमारी जो मिर्च है उनमें भी नमक है। अब इसको हम खोल लेंगे और एक अच्छा सा इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे पकौड़ी सेकने के लिए। इसमें आठे नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा ये बैटर तैयार है। हमें इसको बहुत पतला नहीं रखना है। सेकते समय इस पे बहुत थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे। खाने के सोडा डालने से एकदम फूल कर आती हैं और उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाता है। सोडा डालकर इसको अच्छे से फेंट लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है। अब हम इनको इस तरीके से डिप कर डाल देंगे तेल में। तेल हमारा गर्म हो चुका है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बचे हुए राइस से कटलेट्स बनाना बताया। ये एक तरह से बचे हुए जो अचार होते हैं, पुराने अचार, उनके मसाले का भी बहुत अच्छा सा यूज़ है। उन बचे हुए अचारों से हम और भी नए नए डिश बना सकते हैं। मैं अपनी आने वाली रेसिपीज़ में आपको मेथी वाली अचारी मिर्च बनाना बताऊंगी, जिसमें हम बचे हुए अपने जो अचार होते हैं, 2-3 साल पुराने अचार आमतौर पर सभी घरों में होते हैं, उनका यूज़ करना बताऊँगी। ये देखिए, किस तरीके से एकदम से फूल कर आ रहे हैं पकौड़े। अब इनको हम अच्छे से सेक लेंगे पलट कर। गैस हमारी बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। डालते समय हमेशा गैस तेज़ रहेगी, उसके बाद मीडियम गैस पर तलना चाहिए कोई भी चीज़ को, तभी वो अच्छे से क्रिस्पी बनती है। ये देखिए, अब हमारे सिक्कर तैयार हैं। इनको हम चलनी में बाहर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल इसको इस तरीके से रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। पकौड़े हमारे बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।